वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वन इज फ्रॉम ये स्पेन कातलोनिया। तो ये दोनों आगे लीड लेते हैं, इनके पीछे तीसरा बंदर मैं है ना, 23 साल का, बहुत ये सीनियर जेंटलमैन जा रहे हैं। इन लोगों के साथ आइस एक्स है और मैं अपने हाथों से अपने हाथों को आइस एक्स बना के, क्योंकि अब चौथी बारी था, अब वापस नहीं जा सकता था, और समिट रिज से समिट दिख रहा था कम से कम से 5 या 6 मीटर दूर। आई एम अज्यूमिंग एक पागलपन भी रहता है ऊपर जाओ समिट के एकदम पास पहुंच। जी, समिट फीवर बुलाते हैं उसको, है ना। तो समिट फीवर नाम की चीज होती है वेर मतलब आपको दिख रहा है कि आपको ऑक्सीजन खत्म है, आपको दिख रहा है कि आपके रिसोर्सेज आपके इनफ नहीं है वापस आने के, आपको दिख रहा है कि रस्सी नहीं लगी हुई है, चढ़ तो जाओगे बट उतरते टाइम पे पक्का गिरोगे। तो देन ऑल्सो यू गो फॉर द समिट, दैट्स कॉल्ड समिट फीवर, दैट टनल लाइक विजन। हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। जहां पर हमने वीडियो छोड़ी थी वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप में से किसी ने भी नहीं बताया कि कौन कौन सी वीडियो पर आप रिएक्शन चाहते हो, और मुझे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। समिट रिजेस पे अगर आप गिरते हो किसी भी 60,000 मीटर की चोटी पे, तो कम से कम 4 या 5 किलोमीटर सीधा बेस कैंप वाली गलीज में आओगे सीधा नीचे, ठीक है। एंड 4-5 किलोमीटर बहुत होता है ना टांगों के नीचे देखना। तो आई थिंक मकालू का जो समिट रिज था, फाइनली इन माई फोर्थ अटेम्प्ट, हम लोग जब फॉल्स समिट से रियल समिट तक नेविगेट करके जा रहे थे, तो एक नाइफ लाइक रिज आती है, बिल्कुल बिल्कुल चाकू जितनी तीखी ऐसे एकदम है उसमें, मतलब आप हाथ भी रखते हो तो टूट जाती है ऊपर से, उसके एक तरफ हम लोग चल रहे हैं। और फॉल समिट पे मैं अपना आइसैक्स गलती से इन ऑल दैट हबड़ा तबड़ी भूल जाता हूँ, आइसैक्स वहीं छूट गया। दो टाइप के आइसैक्स होते हैं, एक एक स्ट्रेट स्टिक वाला होता है, एक होता है टेक्निकल आइसैक्स, एक आइस क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है, एक स्नो में यूज होता है। आइसैक्स होता है बेसिकली कुल्हाड़ी जो बर्फ में चढ़ने के आपके मदद कर पाए, है ना, बिल्कुल एक्स की तरह ही होता है, किसी भी नॉर्मल एक्स की तरह, बस जस्ट उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और वो सब चीजें, टेक्निकल थोड़ा सा पीछे शॉवल होता है, आगे टीथ होते हैं, तो इट डज मल्टीपर्पज एक्टिविटीज। इट इज ऑल्सो, इसको पर्वतारोही का तीसरी टांग बुलाई जाती है, एज फनी एज इट साउंड्स। एंड आइस एक्स वो वहां भूल गया था मैं, और वहां से चल के जा रहा हूँ नाइफ लाइक रिज पे, सामने सिर्फ दो जने शेर, ये रिज को देख के इवन द शेरपास वर लाइक, दे वर पुशिंग फरान एंड हांस, दे आर लाइक वेरी गुड सीनियर माउंटेनियर्स फ्रॉम, वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वन इज फ्रॉम ये स्पेन कातलोनिया। तो ये दोनों आगे लीड लेते हैं, इनके पीछे तीसरा बंदर मैं है ना 23 साल का, बहुत ये सीनियर जेंटलमैन जा रहे हैं। इन लोगों के साथ आइस एक्स है और मैं अपने हाथों से अपने हाथों को आइस एक्स बना के, क्योंकि अब चौथी बारी था, अब वापस नहीं जा सकता था, और समिट रिज से समिट दिख रहा था कम से 5 या 6 मीटर दूर। आई एम अज्यूमिंग एक पागलपन भी रहता है ऊपर जाओ समिट के एकदम पास पहुंच। जी, समिट फीवर बुलाते हैं उसको, है ना। तो समिट फीवर नाम की चीज होती है वेर मतलब आपको दिख रहा है कि आपको ऑक्सीजन खत्म है, आपको दिख रहा है कि आपके रिसोर्सेज आपके इनफ नहीं है वापस आने के, आपको दिख रहा है कि रस्सी नहीं लगी हुई है, चढ़ तो जाओगे बट उतरते टाइम पे पक्का गिरोगे। तो देन ऑल्सो यू गो फॉर द समिट, दैट्स कॉल्ड समिट फीवर, दैट टनल लाइक विजन। कि पता है कि दिख रहा है साफ साफ सामने कि अब तो मामला गड़बड़ होने वाला है, बट फिर भी आप जा रहे हो। तो आई थिंक दैट वॉज समथिंग विच आई वॉज सफरिंग फ्रॉम, बिकॉज इतना डेस्परेट हो चुका था चौथी बारी में कि था, मतलब दोस्त भी मजाक उड़ाते थे और गाँव के जो बच्चे थे नीचे वैली में डाउन द वैली, वो ऐसे गांव वाले बच्चे भी अब बड़े होने शुरू हो रहे थे, 4 साल हो चुके थे, वो भी देखो अंकल आप फिर आ गए तो इतनी भारी हो चुका था वो अटेम्प्ट कि आई सो डन। तो फाइनली ऑन द समिट रिज जैसे जा रहा हूँ, और मैं ऐसे हाथ डाल डाल के जा रहा हूँ, एकदम से मेरा हाथ स्लाइड करता है, मैं दूसरी तरफ मेरा हाथ जाता है और मैं शोल्डर तक उस आइस रिज पे जैसे टंगा हूँ, मेरी टांगे फ्री हो गई है और मैं सिर्फ उस रिज पे एक हाथ उस तरफ है रिज के और पूरा शरीर इस तरफ है, वहां खड़ा हुआ समिट पे आगे फरान और ये पहुंच चुके हैं और बोले क्या कर रहा है आइस एक्स का, बोला आइस एक्स तो पीछे छूट गया है एंड देयर नो रोप्स, नथिंग सिक्योरिंग अस, रोप वोप सब खत्म हो चुकी थी अभी तक, तो कोई एंकर्स नहीं लग रहे थे, कुछ नहीं होता, सब पुराने एक्सपेडिशन की रस्सियां खींच खींच के भागने वाले, टिकट टिकट नहीं टिकट पता नहीं, भगवान का नाम लिया वो ओम शाम्बो बोल के एक कदम के आगे दूसरे कदम, तो ऐसे हो गया था, काफी स्कैरी हो गया था वो, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल समिट, इतना सुंदर समिट, आई थिंक इट वो मेरा स्टेयरवे टू हेवन था फॉर श्योर। इट्स द मोस्ट, सबसे किसी भी 8,000 मीटर चोटी का समिट इस समिट से कम खूबसूरत होगा, क्योंकि इस तरह का परफेक्ट परफेक्ट फिनिशिंग, इसे एंड में जाके छोटा सा पिरामिड आ जाता है आपके सामने, उस पिरामिड के लिटरली आप समिट पे जाके इसे एक हाथ रख सकते हो, दैट्स द टॉप पॉइंट, 5th हाईएस्ट पॉइंट ऑन प्लैनेट अर्थ। एनर्जी क्या होती है वो?
एक तो बहुत सारी चीज थकान होती है, ऑब्वियस है, लेट्स बी फर्स्ट रियलिस्टिक, थकान बहुत ज्यादा होती है, फटीक बहुत ज्यादा होता है, दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होती है कि हाउ फार यू हैव टू गो डाउन। एंड मेरे साथ एक अंदर कीड़ा है, जब जब मैं सबमिट करूं या नहीं करता तो सबमिट करने कर लेता हूं तो अलग एनर्जी आ जाती है, उसके बाद मुझे पहाड़ पर रुकना पसंद नहीं। द सेम डे आई हैव सबमिटेड मोस्ट ऑफ दीज 8000 मीटर पीक्स, उसी सेम डे पे ही मैं सीधा बेस कैंप आ जाता हूँ, चाहे रात हो जाए। तो जो 3-4 दिन का जो हमें रास्ता लगता है एक बारी में ऊपर जाने का, जो शेरपा लोगों को भी 2 दिन लग जाते हैं नीचे आने में, उसको मैं सेम डे में ही खींचता हूँ, क्योंकि एक बारी गाड़ी जब मेरी चल जाती है, गर्म हो जाती है, तो फिर मुझे रुकना पसंद नहीं है। समिट हो गया तो उसके बाद रात बात बिताना पहाड़ पे मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो फिर देन आई शूट स्ट्रेट फ्रॉम द समिट सारा लोड उठाते हुए। ये बात भी है, आप क्या आप गर्म हो रखे हैं अंदर से, बाहर इतना कुछ चल रहा है, माइनस टेम्परेचर है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवा के साथ और भी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और उसी बीच आपने आज काम किया, आप नीचे जाने के जा रहे हो, और उसमें सेंस भी क्या बनती है कि आप इतना हार्ड वर्क करके नीचे जा रहे हो और बीच में रुक गए, टेंट वगैरह लगाया और सो गए, जबकि और 10-12 घंटे का से भी कम का काम है, और वो सो गए और बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई, फिर से ठंडी हो गई, और नेक्स्ट डे उठकर कितने घंटे सो गए, 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सो होता वहां पे भाई साहब, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती है, उनकी आवाज से ही बंदा डरता रहता है, अच्छे से सो नहीं पाता। तो 4-5 घंटे के बाद फिर से उठो, सभी कुछ पहनो, पानी पियो, पानी गर्म करो, आग जलाओ, ये करो वो करो, और फिर उठो, फिर से शरीर को बॉडी को गर्म करो, वार्म अप करो, और फिर से चलना शुरू करो। कैंप्स का सारा सामान वाइंड अप करते हुए हैवी सा बैकपैक हो जाता है, बिल्कुल यू लुक लाइक अ येटी ओनली ऑलमोस्ट कमिंग डाउन द माउंटेन, रात हो जाती है। अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर ऑलरेडी गोना बी लाइक अरे इसने मेंशन कर दिया सारी, मैंने नहीं बोला, दिस टाइम इट इज नॉट हिम गाइस, येटी चाहता है कि उनकी बातें इस पॉडकास्ट में हो। एनीवे गो ऑन, सो देन आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय स्केरियस्ट मोमेंट्स, एंड द सेम डे आई सबमिटेड व्हेन वी कम बैक डाउन, so quite hectic, quite tiring, but the energy is, मतलब energy after a point you get so tired and you keep pushing कि उसके अंदर switch off नहीं होती body। हम summit करके वापस base camp आ चुके हैं, it's been almost more than 48 hours that you've been moving, constantly standing, not hydrating enough। base camp पहुंचने का थी उस दिन रात को भी इतनी energy होती है बहुत सारे और काम करने की, celebrate करने की, you but you cannot switch off your mind then। You go, इतना ही आप अपने को पुश कर जाते हो फटीग में बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट कि अब स्विच ऑफ करना मुश्किल हो जाता है, नींद भी नहीं आती, लेट जाओगे, यू विल कॉन्स्टेंटली हैव दोस वाइब्रेशंस फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी, यू नो, कीप्स गोइंग, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू मेडिटेट एंड स्टफ एंड स्लोली लेट योर एनर्जी लेवल्स गो डाउन, बिकॉज नाउ यू गैदर्ड इन सो मच एनर्जी टू अचीव ऑलमोस्ट व्हाट वाज नॉट वेरी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर योर बॉडी, नाउ यू टू स्लोली रूट इट, पुट इट डाउन एंड come back to planet earth। okay bro, anyway question number 2, सबसे dangerous माउंटेनियरिंग situations में ब्रेन ऑटोपायलट पर चल रही होती है, आपके ब्रेन को उन situations में हिम्मत मिलती कहां से? आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज एनवायरमेंट्स में जब हम लोग होते हैं ना, तब बहुत इनवर्ड आत्मा ना अंदर को खिंच जाती है थोड़ी सी, वापस आने के बाद भी ना यू डोंट फील, जैसे हाउ राइट नाउ यू फील राइट, यू आर कम्प्लीटली हियर, देयर इज नथिंग बिटवीन योर सोल एंड योर बॉडी, तो यू गो लिटिल इनवर्ड्स, वर्ड्स डोंट कम आउट ऑफ योर माउथ, है ना, शब्द नहीं निकल पाते, आप लोगों को काफी कुछ बताना चाहते हो बता नहीं पाते, अंदर पूरा एक तूफान चल रहा होता है, हो नहीं पाता, तो हिम्मत आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप सामने माउंटेन को देखते हो ना, तो माउंटेन को कुछ नहीं पता होता, उसको ये भी नहीं पता होता है कि छोटी गलती और बड़ी गलती के बीच में अंतर क्या है, उसको ये नहीं पता है छोटे बच्चे और बड़े इंसान के बीच में अंतर क्या है, उसको नहीं पता लड़का लड़की कौन है ना, उसको ये नहीं पता कि हमारे कौन से भगवान है, कौन किसके हैं, क्या जाति से आ रहा है, कौन प्रजाति से आ रहा है, कौन से देश से, कौन से इकोनॉमिक स्टेटस है, सबको एक जैसा ट्रीट करता है। तो जब वो देखते हो ना, दैट इक्वालिटी, दैट इक्वलाइजर सा एक जो आप देखते हो अंडरटोन विच इज देयर, सो यू फील लाइक ऑटोमेटिकली एक अंदर से एक इंजन होता है, वो स्टार्ट सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ 15,000 ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जो एक इंसान का शरीर गया ना, यू फील लाइक अप टू इट्स ऑप्टिमम प्रोडक्ट, ऑल योर इंद्रीज, ऑल योर सेंसेज आर वर्किंग अप टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल, सो आई थिंक दैट फीलिंग ऑफ बींग एबल टू बी नोइंग दैट आई एम
रियली पावरफुल मोर बियॉन्ड माई ओन इमेजिनेशन द बाउंड्रीज ऑफ माई ओन इमेजिनेशन, जितना मैं सोच भी सकता हूँ उससे भी बहुत ज्यादा बियॉन्ड मैं पावरफुल हूँ, कहीं ना कहीं वहां से एनर्जी और हिम्मत आती है। फिर एक और डर भी रहता है क्योंकि मम्मी और पापा को स्पेशली आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम, सो आई हैव माउंटेन्स टू क्लाइम एंड प्रोमिस टू कीप, सो आई शेल कीप वॉकिंग। आई ऑलवेज मतलब और सबका मुझे पक्का पता है कि और सबसे तो मैं छुटकारा पा लूंगा, बट मरने के बाद मेरी माँ नहीं मुझे छोड़ेगी पक्का, अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया तो फॉर हर फॉर द वर्ड्स व्हिच आई हैव गिवन टू हर, आई थिंक आई फाइंड माई करेज टू कम बैक टू माई पेरेंट्स विद द थॉट, इस सोच के साथ कि मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए पास वापस आना है, उनके लिए वापस आना है, आई थिंक मुझे हिम्मत वहां से मिलती है। लव इट ब्रो। तीसरा सवाल, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने अक्सर मौत को बहुत करीबी से देखा है, खुद की भी मौत को बहुत करीबी से देखा है, इतनी इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करने के बाद आपके लिए क्या डर का मतलब बदल चुका है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक मोस्ट लोगों को जो जिन चीजों से डर लगता है अब बड़ी रिलेटिव सी लगती है थोड़ी सी। हाँ जैसे बहुत लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। आई बिलीव इन कि ये जो हम लोगों को लगता है ना कि हम चॉइसेस ले रहे हैं एंड वी आर कीपिंग आवरसेल्फ सेफ, अल्टीमेटली देयर इज अ बिगर गेम एट प्ले, है ना, लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड इस अगर ब्रह्मांड को भी हम पूरी तरह से देखें, आई एम अ लिटिल स्पिरिचुअल पर्सन, तो एंड मेड बिकॉज आप बोल सकते हैं कि मेरा नेचर ऑफ स्पोर्ट ऐसा है, पर आई डेफिनेटली फील कि डर की परिभाषा तो जरूर बदल गई है मेरी, क्योंकि वॉट इज योर नॉर्मल एंड योर एक्सट्रीम प्रॉबेबली, वॉट इज प्रॉबली योर एक्सट्रीम विल बी माई नॉर्मल। मेरी मम्मी भी यही बोलती है, वो बोलते तुम अपने हिसाब से मत बताओ लोगों को कि 2 घंटे का रास्ता है या जहाँ ऐसी हो जाएगा कि नहीं नहीं इतनी ठंड नहीं होती, क्योंकि आई ऑफन have had my friends join up to the base camp and stuff. I was like, नहीं नहीं मस्त है, आज आप मस्ती करेंगे, दो तीन महीना अलग टेंट में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पलट के देखने की जरूरत नहीं है ना। तो देन दे आर लाइक, अरे तूने तो ये मुझे बताया ही नहीं था, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। आई टुक वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक दिस फॉर द मकालू ABC बेस कैंप इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो मकालू का जो ABC है वो लगता है 6,000 मीटर पे बेस कैंप है, 6,000 मीटर 22,000 फीट अबव द सी लेवल, ये सबसे हाईएस्ट बेस कैंप ऑफ एनी बेस कैंप ऑन एनी बेस कैंप। हमारे लिए क्या, हम वहाँ पे बैठ के हमारे तो रोज का ही रूटीन चल रहा होता है, नॉर्मल खाना पीना थोड़ी मस्ती, गेटिंग टुगेदर, सोशलाइजिंग, गेटिंग एक्लिमेटाइज। नाउ ईशान इज फ्रॉम, ही इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड चड्डी बड्डी फ्रॉम नोएडा इटसेल्फ, ही इज अ सूद, ही इज टिपिकल पंजाबी बॉय, वेरी नाइस, नेवर डन एनी एक्टिविटी, हैज अ रिसॉर्ट इन मनाली एंड ऑल। उसको लेकर मैं चलाते हुए उसकी हालत खराब हो गई, वो वहां रो रहा है, बोला मम्मी से बात करवा दे इस कैंप में। तो आई हैव हैड इंस्टेंसेस बिफोर वेर I take things very normally now. I think I'm wired differently. मेरी शायद माई मॉम मम्मी ने पता नहीं सर पे कहीं दीवार में लेके मार दिया था या हाथ से गिरा दिया था जब मैं छोटा था। आई एम वायर्ड लिटिल डिफरेंटली, मुझे मोस्ट रिलैक्स सिचुएशन में बहुत एंगजाइटी फील होती है, जो मैक्सिमम नॉर्मल लोगों के लिए बड़ी रिलैक्स सिचुएशन होती है उसमें आई एम वन ऑफ द मोस्ट एंग्शियस पीपल एवर। एंड इन लाइक एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे मतलब बहुत चीजें फास्ट फास्ट चल रही होगी, डायनामिक एनवायरमेंट होगा, बहुत कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे आई डोंट नो देयर इज दिस सेंस ऑफ there's something gets released from the back of my head and I feel like this calm coming down into my shoulders. I don't know why. So probably I'm just wired. थोड़ा सा वायरिंग में थोड़ा लोचा है मुझे ऐसा लगता है। वायरिंग बदल चुकी है माउंटेनियरिंग की वजह से। I mean I think it's that little bit for sure. Probably. And I'd like to put it on my mother. जो आपने ईशान की बात करी कि वहां जाके वो रोए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहां वो रोए वहां उनके आंसू भी फ्रीज हो गए? आंसू तो छोड़ो, बहुत कुछ फ्रीज हो जाता है। सो व्हेन आई गो टू स्कूल्स, नो स्कूल के बच्चों के पास बहुत ज्यादा जिज्ञासु जनरली सवाल रहते हैं, सो दे आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर जनरली ऑल्सो। तो उन लोगों ने बड़ा, वो हमेशा पूछते हैं खाते क्या हो, टॉयलेट कैसे जाते हो, यू नो ऑल ऑफ दैट। सो आई टेल देम, कई बार इतनी ठंड हो जाती है कि योर पी ऑल्सो डज नॉट इवन रीच द ग्राउंड, just evaporates in the sky, इतनी ठंड होती है। व्हाई नॉट, इट्स अ फिनोमेना। मैंने सुना कि एवरेस्ट पर एक शिट का प्रॉब्लम हो चुका। मैं एक बात बताता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ तो सर्दियों में वेंटिल के साथ -45-50 हो जाता है इधर, क्या बोलते हैं, मैनिटोबा स्टेट में और कैपस्केसिंग हो ओंटारियो में। तो जब भी आप करते हो ना
एक नंबर करते हो यू नो, तो वो क्योंकि अंदर गर्मी थोड़ा गर्म होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है और बाहर -50 हो रखा है वेंचल के साथ, तो वो भाप बन के उड़ जाता है, नीचे कम गिरता है तो कुछ ड्रॉप गिरते हैं और बाकी का मोस्टली वो हवा में वो बन जाता है, भाप सी बन के उड़ जाता है। सच में मुझे बहुत देखने के लिए तो एक्साइटिंग भी होता है, लेकिन वो जब भाप बन के उड़ता है तो उससे बच बच कर कभी इधर मूव हुए, कभी इधर, जिधर भी विंड वो विंड जाती है उसके ऑपोजिट मूव होना पड़ता है, क्योंकि वो जो भाप बनी हुई है अपने ही जिगाड़मेंट से आपको बचते फिरना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। यूज टू बी बट लॉन्ग टाइम अगो, नाउ नेपाल बींग नेपाल, वेरी वेल अवेयर ऑफ नेपाल बींग टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, उन लोगों ने काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबली, नाउ आई वुड एक्चुअली आदर से कि सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट बेस कैंप है ऑफ एनी बेस कैंप ऑन एनी 8,000 मीटर पीक एवरेस्ट बेस कैंप, बिकॉज ऑफ ऑल द मीडिया अटेंशन और सब लोग उसके बारे में बात करते हैं हर क्लाइंबिंग सीजन में, एकदम से सारा वर्ल्ड का फोकस हर मार्च अप्रैल मई में एवरेस्ट की तरफ चला जाता है, एंड सडनली लोगों को क्लाइमेट चेंज दिखना शुरू हो जाता है, सडनली वो दिखना शुरू, सब कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, बट उनको ये नहीं समझ आता है तो साल भर भी ऐसे होता है, बट देव टेकन ड्यू नोट देयर प्रॉपर सिस्टम्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इन टू प्लेस, एंड आई डोंट थिंक अ स्मॉल बंच ऑफ माउंटेनियर्स विच लुक लाइक अ स्मॉल ट्रेल ऑफ एंट्स, हजार लोगों को अगर आप देखो ना इतने से ऐसे दिखते हैं पहाड़ पे चींटी की तरह एवरेस्ट के सामने। I would still say before 2000, फिर भी थोड़ा सा ये था, अवेयरनेस वॉज नॉट देयर सो मच, बट आई थिंक आफ्टर द 80s 70s क्वाइट लॉट ऑफ अवेयरनेस, एंड माउंटेनियर्स आर एक्चुअली द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वंस नाउ, बिकॉज देयर स्पोर्ट इज दिस, इफ दिस इज नॉट लेफ्ट वेयर विल वी गो क्लाइम, राइट, सो वी आर स्टिल मोर अवेयर टुवर्ड्स मदर नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ग्लेशियर्स, बिकॉज सो नाउ समवेयर ऑर द एल्स हम सभी लोग इस पे अभी भी निर्भर ही है, फ्रेश वाटर का तो और कोई है नहीं हमारे पास इलाज। 2013 14 15 के बारे में बात करते हैं। ओके, ये जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ 2012 में, हाँ, जिसके बारे में अभी बात करी, उसके बाद आपकी बॉडी रिकवर हो गई, होनी शुरू हो रही थी, एंड बोलो एंड मन में ठान ली थी कि करना है, जिद सी आ रही थी, क्योंकि ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है कि शायद मुझे भी नहीं पता लगता कई बार कि मैं आगे का कुछ गोल साधना शुरू कर देता हूँ, सोचना शुरू करता हूँ, प्रॉब्ली इट इज लाइक माई वे ऑफ कोपिंग अप विथ वेर आई एम करंटली, है ना, तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ शायद एक घटना हुई, मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा कि मैंने जिस दिन मेरा ये पैर चलना शुरू हुआ लेफ्ट लेग फिर से, मैंने बोला अब तो पहाड़ वापस जाना, मम्मी बोल रहे हैं चुप करो, है ना, कहीं नहीं जा रहे, घर पे बैठो, कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लो, पढ़ाई शुरू करो वापस, हो गया इनफ इज इनफ, बट बचपन से नहीं सुनी तो आप कैसे सुनेंगे, है ना, पैशन है तो पैशन है, आई मेड श्योर आई कन्विंस देम, उनको समझाया सब कुछ करा, बट मम्मी पापा के लिए तो कभी दे कैन नेवर गेट यूज टू एनी थिंग लाइक दिस, बट देन आई प्रॉमिस मायसेल्फ कि मकालू चढ़ने जाना है, मकालू, मकालू से नाम इतना, मतलब आपने इतनी बार क्यों लिया मकालू का नाम, मकालू ने मुझे जो मैं आज माउंटेनियर हूँ वो बनाया है, मकालू शेप मी इनटू द पर्सन हु आई एम टुडे, द माउंटेनियर हु आई एम टुडे, इट टॉट मी हाउ टू फॉल इन लव विद द माउंटेन, उसने सिखाया कि पहाड़ों में पहाड़ से प्यार में पड़ना कैसे है ना, विद द प्रोसेस, क्योंकि मकालू में कई बार इतने फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर, जिन लोगों के लिए सपने देखने शुरू करे थे उन लोगों का भी जब साथ छूट गया, सारे स्पॉन्सर्स चले गए, इट वॉज द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ, 2012 में एक एक्सपीडिशन फेल हो गया, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, एंड एवरी टाइम देखिए हम लोग एक चोटी चढ़ने जाते हैं, ये पीक्स चढ़ने जाते हैं, बहुत महंगी होती हैं ये, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम यू विल बी सक्सेसफुल, मतलब 40-50 लाख का खर्चा हो जाता है, जी बहुत आराम से हो जाता है, एंड प्लस पर्वतारोहण जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे अभी भी हमारे पास यहाँ सपोर्ट नहीं है, ग्लोबल ब्रांड्स अभी भी सिर्फ डिजिटली इंडिया में प्रेजेंट हुए हैं, रिटेल में आए नहीं है, बिग बिग ब्रांड्स हैव स्टिल नॉट एंटर्ड इंडियन मार्केट, तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा ना बार बार अटेम्प्ट देना, तो 2012 में काफ़ी अच्छा समिट नहीं हुआ, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हो गए, 2013 में मकालू चुना, वी हैड टू टर्न अराउंड 120 मीटर बिलो द समिट, फ्रेंच कुलवार करके लास्ट चैलेंज आता है बिफोर वी हिट द फॉल समिट एंड रियल समिट आ जाए, तो फ्रेंच कुलवार में वही चीज, एक डेड बॉडी पुराने क्लाइंबर की पड़ी हुई थी बेस, वहाँ उसकी फॉल हुई थी, एंड दैट वाज अ गुड रिमाइंडर फॉर मी कि डोंट हलुसिनेट और डोंट मिक्स अप योर रोप्स और बी केयरफुल, तो वहाँ से मैंने ऊपर देखा और वो पूरी से रॉक एंड आइस की चिमनी है बस, एंड स्ट्रेट अप, तो
दैट लास्टेड अबाउट गुड आई थिंक मस्ट बी मोर देन 100 meters अगेन. तो टाइम लगता है उसमें, चढ़ तो जाता बट उतर नहीं पाता. तो कॉल लिया, वापस जाना है यहाँ से, है ना. वापस आ गए, वेरी फ्रस्ट्रेटेड. फिर से शुरुआत से सारी जर्नी शुरू, फिर से 5 किलो के डंबल, 2-2.5 किलो के डंबल से एक्सरसाइज शुरू, फिर से 1-1 किलोमीटर दौड़ना शुरू. बिकॉज एवरी टाइम हम एक 1000 मीटर अटेम्प्ट करके आते हैं, आपकी बॉडी कंप्लीटली फिनिश हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता बॉडी में उसके बाद. तो ग्राउंड स्क्रैच से 1 पुशअप 2 पुशअप ऐसे शुरुआत करनी पड़ती है. फिर वहां से वापस शुरुआत करी 2014 का अटेम्प्ट, फिर स्पॉन्सर वॉन्सर. 2015 तक ऐसी स्टेज आ गई थी, 2014 भी फेल हो गया. 2015 गए, 2014 में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे साथ. आई लॉस्ट अ वेरी गुड टीम मेंबर ऑन मकालू. ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट बिटवीन कैंप 2 एंड कैंप 3. यानिक करके एक स्पेनिश दोस्त थे. तो एज क्या थी? ही हैड अ वाइफ एंड ही हैड अ यंग डॉटर एट होम. एंड थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट हो गया था फैमिली को फोन करके बताना दैट ही इज नॉट गोना बी एबल टू कम बैक होम दिस टाइम. And unfortunately, me being the youngest one, I was given the responsibility. But I think my senior mountaineers were also preparing me for the years ahead to come. There's a lot which goes on the mountain, which not always can be all discussed. But there are things which we have to do. And they were all, वो लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व थे ऊपर सारी रेस्क्यू मिशन और उसमें. तो मुझे राइट टाइम पे जब मौका लगा तो मैंने इन्फॉर्म करा. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स विच आई एवर डन इन माई लाइफ, है ना. और हमेशा ही रहेगी. किसी और को बताना है ना कि इस बारी शायद नहीं आया. तो एंड दैट वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग थिंग. देन 2014 में हमने सोचा कि अब नहीं होगा. एक मिनट ब्रो, मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानना चाहूंगा. पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि माउंटेन पर कार्डियक अरेस्ट हुआ. इस साल भी मेरा एक बहुत पुराने फ्रेंड अन्नपूर्णा पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से चले गए. नोएल है ना, आयरिशमैन, वेरी सीनियर माउंटेनियर, ऑन हिज वे डाउन. एग्जॉशन, फटीग इतना ज्यादा हो जाता है यू, बिकॉज देर इज अ वेरी फाइन लाइन, बहुत ग्रे एरिया होता है पुशिंग योर लिमिट्स एंड पुशिंग बियॉन्ड योर लिमिट्स. और वो कब हम क्रॉस कर जाते हैं समझ में नहीं आता कई बार. इट्स हार्ट अटैक, राइट? बायोलॉजी क्या होती है हार्ट अटैक की? कि आपका आपका बॉडी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट कैन हैपन, स्ट्रोक कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना. बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ various things which can shut down in your body because of your environment. Technically, आपका heart थक जाता है. Effectively, it's that. Correct. And ये scientific terms हो गए. मेरा ये मानना है कि it is जब समय खत्म हो जाता है तो समय खत्म हो जाता है ना. जो beats हमारे में recharge होके मिली है मैं मानता हूँ जिस दिन जाना होगा उस दिन चला जाता है इंसान. योगा में भी माना जाता है कि number of breaths खत्म हो जाते हैं जी. लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स असाइन किए, सबको मिला हुआ है ना. उतना वो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा. एवरी ऑर्गन रीचेस इट्स पीक एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिटोरिएट. दिस इज सेम विद लाइफ आल्सो. इज दैट वाज व्हेन प्रोबब्ली इट वाज दिस टाइम सेम हैपेंड विद यानिक इन 2014. बट आई एम सॉरी, नो प्लीज, जस्ट कम्स बैक समटाइम्स. सो इट इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते? जी जी बिल्कुल. एज अ टीममेट क्या दिखा था? मतलब इसे ओवरनाइट हो गया या आसान नहीं रहता जो भी दिखता है. जैसे नोएल के साथ तो हमारे साथ ही था, तो रात को सोते सोते चला गया. अगले दिन हम उठे, वो नहीं उठा, है ना. हमने फिर उसको जाके थोड़ा बहुत CPR और माउथ टू माउथ और वो सब ट्राई करा, बट नहीं रिकवर हुआ. एक हमारे साथ एक क्लाइंबर थे उसी दौरान, जब इस साल अन्नपूर्णा पे नोएल पास्ट अवे, तो उसके बाद बलजीत was up, she was lost, वो ऊपर खो रखी थी. अनुराग नीचे था, मैं इन लोगों के बीच में था. अनुराग क्रवास में गिर रखा था, एक और माउंटेनियर है इंडिया से. तो मल्लू, हाँ जी. तो we were sorry to interrupt, but next reaction होगा बलजीत कौर के ऊपर. ये भी एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, एस्केप कर चुके हैं. तो नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बलजीत कौर के पॉडकास्ट पर होगी, सेम विद रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर वो आए हुए हैं, उनके ऊपर भी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे. ऑल स्टक ऑन द सेम माउंटेन टुगेदर, हम लोगों का लॉन्ग लाइन हुआ उस वजह से. फिर बलजीत का भी रेस्क्यू हो गया थैंकफुली. एंड दैट सेम ट्रिप वी वर ऑल टुगेदर ओवर देयर. शी वाज जस्ट ऑन द शो लास्ट वीक. यस. एंड बहुत डिटेल में उन्होंने कहानी बताई. सो शी गॉट लॉस्ट अप देयर. शेरपास हैड टू कम डाउन बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस. एवरीबॉडी हैज देयर ओन वर्जंस, राइट? बिकॉज इतना ऑक्सीजन लेवल्स आर सो लो, यू डोंट नो कि रियल क्या है और आपकी इमेजिनेशन क्या है. तो वी
फीवर हावर इन द मिडल, मैं वापस आ गया था समिट करके कैंप फोर तक, नोएल भी वापस आ गया था, आई वाज विद टू अदर मोर पाकिस्तानी क्लाइंबर्स विद मी, अनुराग हैड गॉन डाउन, ही वाज वन डे बिफोर अस हुड अटेम्प्टेड द समिट, ही कुड नॉट रीच द समिट बट ही फेल डाउन ऑन हिज वे बैक, वो वापस उतरते हुए उनका नीचे गया, बलजीत ऊपर समिट से वापस नीचे आती हुई खो गई रास्ते में, काफी वेदर खराब हो गया था, नोएल केम बैक, ही नेक्स्ट डे डिड नॉट वेक अप, सो वी ट्राइड. Now conditions can be in the night. What happens is to keep your body warm. Also you need energy. Ab woh sab mixing up mein and a team attempting us before had come down to base camp and we come down to camp four. The last camp humne kuch supplies chhode the. Our adequate supplies wahan nahi mile. I'm not playing any blame games here. However, you know it happens in mountaineering. Sometimes you can get confused. So whatever resources are supposed to be there for us were not there, and then we were all parched and dehydrated. I think because Anurag ko fir 3 din baad usko jab karwas se nikala gaya to usko 4-5 ghanta CPR diya gaya, uska to recover kar gaya, to mujhe kai baar lagta hai ki shayad mujhe bhi thoda sa hard try karna chahiye tha Noel ke saath, shayad wo bhi bach jata hai na, to aise kaisi cheeze aati hai. So the mindset is like this with even with Yannick, by the time he reached, when you are up on the mountain you're rescuing someone, then it's like this, which have immediately why. So when you're far away at base camp, then you're just trying to put together the resources so that the people who are up there are able to get them back safely and get the body also down safely if it's possible with the amount of manpower which is available, resources, conditions, so many factors. Bahut sare factors influence karte hain aapke har ek decision ko. Phir depends, hum log jab base camp se nikalte hain, hum log generally ek diary rakhte hain. Main jis groups mein rehta hun hamesha, usme hum log ek diary rakhte hain jisme hum log last wish generally नोट करके जाते हैं समिट पुश से पहले कि व्हाट डू यू वांट अस टू डू विद योर बॉडी. सम पीपल, सम ऑफ दीस, सी माउंटेनर्स जनरली भी एक थोड़ी सी अलग सी ब्रीड होते हैं, तो नॉट ऑलवेज एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ दीस यूरोपियन एंड अमेरिकन वेस्टर्नर्स तो लिख जाते हैं कि नहीं नहीं और प्रॉब्ली दे डोंट हैव द काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू गेट अ बॉडी रेस्क्यूड ऑफ ऑपरेट विद द एम्बेसी एंड सेंड इट बैक होम, क्योंकि कार्गो करना पड़ता है, बहुत खर्चे हो जाते हैं एक किसी मरे हुए इंसान को बॉडी भी वापस लेके जाने में. तो कई बार माउंटेनर्स से कि मुझे रोल मी इन टू अ close by crevasse, yeah, let me be on the mountain after last wish, or nahi, ya fir meri body niche laake agar possible hoga to niche utar lana, trash mat chhodna pahad pe, and niche laake jo bhi rides mein jahan pe aap body decompose ho sakti hai, kyunki glacier jahan hamare base camp lagte hai wahan to mitti bhi nahi hoti, to wahan pe decompose nahi ho sakti body, wahi bani rahegi like a trash only. So we try to get the bodies down whenever somebody dies. That's the agenda, to get it down as soon as possible. If the weather is clear, let next day helicopter organize karke sortie lagwa ke usko down karte hain. Kai bari weather clear nahi rehta to your fellow person is lying down within your base camp itself, just covered by a tarpaulin, you know, you've broken bread with, eaten food with, so it gets difficult, you know? And then there have been situations at times where we've lost somebody on the mountain, or fir उन्हीं के साथ उन्हीं को अब टेंट में ही रैप अप करके रख दिया है और उसी के ऊपर फिर बैठ के अब खाना खा रहे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है टेंट के अंदर, बाहर स्टॉर्म चल रहा है. तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, इट इज इंटेंस एनवायरमेंट्स विच समटाइम्स मदर नेचर कैन ना पुश यू इनटू, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है. ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपके कैरेक्टर को बहुत टेस्ट करता है जी, और कैरेक्टर रिवील भी करता है जी. With lack of oxygen, हम लोग हमेशा बोलते हैं आपको किसी इंसान को अच्छे से जानना है तो एक बार लिया इंसान की फेक करने की एबिलिटी, कैरेक्टर प्ले करने की एबिलिटी सब खत्म हो जाती है. ऑक्सीजन अगर मैं सिर्फ 50% भी कर दूं अभी इस कमरे में, तो एकदम से जो रियल वर्जन हैं सबके वो निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक और माउंटेन में तो 60 दिन तक एक साथ रहना है, तो कब तक आप प्ले कर सकते हो? 60 दिन, 60-70 दिन चलते हैं एक्सपीडिशंस. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्पोर्ट. कभी झगड़े हुए होते हैं? क्यों नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, बड़े लाइफ बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं. समटाइम्स माउंटेनियरिंग में ऐसा भी होता है कि आपके डिसीजंस दूसरे के एक्सपेडिशन को अफेक्ट करते हैं, दूसरे के डिसीजंस आपके एक्सपेडिशन को अफेक्ट करते हैं, क्लाइम को, समझो इट इज ऑल कनेक्टेड राइट. है ही कितने से हम लोग, इतना बड़ा पहाड़ पे इतने से इंसान बैठे होते हैं हम लोग. इट इज इंडीड अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. झगड़े सॉल्व कैसे होते फिर? थोड़ा बहुत जैसे हमेशा होते हैं थोड़ा सा एनर्जी बाहर निकाली, थोड़ी सी एनर्जी अंदर डाली और हो गया झगड़े सॉल्व. फिजिकल फाइट्स हुए कभी? होते मस्ती होती है सब पहाड़ों में, थोड़ा सबके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो निकल जाती है, फिर होते रहते हैं. बट फिजिकल फाइट के ऑक्सीजन ही नहीं होता, सब जल्दी जल्दी सुलझ जाते हैं, एक उसने मारा, एक उसने मारा.
कहाँ से कुछ करोगे? जूते के फीते मारने में सांस फूल रही है, आप बातें कर रहे हो, फिजिकल फाइट के लिए कहाँ से एनर्जी बचेगी? टॉयलेट जाके आने में लोगों की सांस फूल जाती है। डाइनिंग टेंट से आप टॉयलेट टेंट तक जाके बेस कैंप पे आ रहे हो, तो आपका हो जाए बोलोगा मैं नहीं हिल रहा आधा घंटा, मुझे बैठना पानी चाय वाय पिला दिला के। हेलुसिनेशंस हुए आपके? सबसे क्रेजी हेलुसिनेशन क्या हुई? क्रेजी वन, आई थिंक इट वाज हेलुसिनेशन ओनली। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु हर्ड द स्टोरी थिंक इट वाज हेलुसिनेशन। आई थिंक इट वाज समथिंग मोर देन दैट। तो इट वाज लोत्से 2011 लास्ट कैंप। सबको पता है कैंप 3 से एवरेस्ट का रास्ता लेफ्ट साइड पर जाता है, लोत्से का रास्ता राइट साइड पर जाता है। कैंप 4 दोनों के अलग अलग लगते हैं। लोत्से फेस लाइक दिस लॉन्ग वॉल 5000 मीटर से शुरू होता है, 6100 मीटर से शुरू होती है, 86 कुछ तक जाती है स्लोत्से के समिट तक। वन स्टीप फेस लाइक दिस, ओके, बहुत लंबा है, उस पर सब लोग ऐसे चढ़ते हैं कैंप 3 एवरेस्ट जाने के लिए भी यहीं से चढ़ते हुए जाते हैं। अब उस फेस पे इट इज लाइक अ हॉर्सशू, एवरेस्ट ऐसे पड़ता है, लोत्से ऐसे, नूपसे ऐसे, तो इट्स लाइक अ हॉर्सशू। इसी वैली में ये खुम्बू ग्लेशियर ऐसे नीचे आता है, तो इस तरफ जाने लोग खोते नहीं है कैंप 4 से लोत्से के, इस तरफ कोई नहीं जाता, सीधा ऊपर जाते हैं एवरेस्ट के लोग, नीचे से ही कैंप 4 लोत्से के इस तरफ चले जाते हैं। हम लोग आखिरी टीम थे लोत्से में 2011 में, कैंप 4 पर बैठे हुए। कैंप 4 ऑफ लोत्से 7000 समथिंग मीटर्स, वेरी हाई। हम बैठे हुए वहां पे और रात को आवाज आती है, टिपिकल आवाज ऑफ समबडी वो विद दोस बिग माउंटेनियरिंग बूट्स, नीचे क्रैम्पॉन लगाते हैं, तो जब स्नो क्रश होती है तब आवाज आती है, क्रश होती हुई स्नो की, तो ऐसे खस खस करके आवाज आई। एंड इट केम फ्रॉम हमारे नीचे से टेंट से आए, अगर हम लोग ऐसे ये पूरा अगर हॉर्स शू है ऐसे, एवरेस्ट यहाँ है, लोत्से यहाँ है, नूपसे है, तो ऐसे आया और इस तरफ चली गई वो रात को आवाज। तो मैंने बाहर ऐसे झांक के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया है ना, ना कोई फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। मैंने अपने शेरपा दाई को उठा बोला ना आपने सुना कोई क्लाइंबर आ रहा है? बोला हाँ, मुझे कोई क्लाइंबर आया होगा, कोई भी नहीं था बाहर। सो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट पीपल वर लाइक यू आर लिसनिंग, बट माय शेरपा आल्सो हर्ड द सेम साउंड। सो वी वर थिंकिंग रात के 8 बज रहे थे, कोई क्लाइंब नहीं करता, सिर्फ वी क्लाइंब मोस्टली ड्यूरिंग, अगर कोई क्लाइंब करता भी रात के 8 बजे तो ऊपर जा रहा होता या नीचे उतर रहा होता, ये कौन सा रूट था? तो आई डोंट नो वेदर इट वॉज हेलुसिनेशन और वेदर इट वॉज दिस। सेकेंड वुड बी आई थिंक दिस वन, चो यू डेफिनेटली। दो इंसानों को सेम तरह की हेलुसिनेशन नहीं होती, इनको भी वो आवाज आई कि कोई स्नो के ऊपर बड़े बड़े जो स्नो शू होते हैं वो पहनकर कोई चलता जा रहा है, जो वैसे खर्च 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 की आवाज आती है, जैसे अब वो स्नो होती है ना, पफी सी स्नो होती है, उसके ऊपर चलने की आवाज आई, ऐसे आई और ऐसे धीरे धीरे दूर होती गई, पास से गुजरी टेंट के पास से और दूर होती गई। इनको हेलुसिनेशन इनको हुआ तो इनके शेरपा को, जो रहते ही स्नो में है, वहां पे उन पहाड़ों में ही रहते हैं, जिनका जो पूरा ये ढांचा है, बॉडी स्ट्रक्चर है, दे यूज्ड टू लिव अप देयर, सो उसको कैसे सेम हेलुसिनेशन हुई? मेरे हिसाब से तो पक्का गोस्ट था भाई, भूत था वहां पे। I did hallucinate quite a lot before I fell down and looking up. So I don't know what it was, but people were like, "You are listening." But my Sherpa also heard the same sound. So we were thinking, "Raat ke 8 baj rahe the, koi climb nahi karta. Sirf we climb mostly during. Agar koi climb karta bhi raat ke 8 baje, to upper ja raha hota ya niche utar raha hota. Ye kaun sa route tha? So I don't know whether it was hallucination or whether it was this. Second would be, I think this one, Choyu. Definitely, I think I did hallucinate quite a lot before I fell down and looking up, and there were things which were going on. So I think I was hallucinating. First hallucination ke baare mein thoda. Aapko lagta hai ki bhoot tha? भूत तो नहीं बुलाऊंगा, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। समटाइम्स यू नो ह्यूमंस हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ व्हेन हैविंग अ पैशन एंड हैविंग अ ड्रीम, जब उसको परसू करते हुए कई बार जब लोग चले जाते हैं, समटाइम्स द एनर्जी टेंड्स टू लिंगर अराउंड, राइट? सो आई फील दैट इट्स नॉट एबल टू, समटाइम्स द एनर्जी इज नॉट एबल टू फाइंड पीस। सो वी हैड इंस्टेंसेस that suddenly a person who's never spoken Russian and is from, let's say, Australia, suddenly starts to speak Russian in like fluent manner, you know, at high altitude. You know, suddenly, you know. आप कह रहे हो कि mountain पर occult चीजें होती हैं? Why not? Absolutely. और देखी आपने?
आई डोंट नो, आई हैव विटनेस सच थिंग्स दैट आई हैव नेवर स्पोकन अप लाइक दिस. क्या क्या विटनेस किया? ऐसे बस पीपल इमिटेटिंग अदर एंड अदर पीपल एंड यू नो मिक्स अप्स हैपनिंग एंड आई थिंक इट कैन ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो सो आई डू बिलीव दैट एज अ ह्यूज रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड विच प्लेज एंड यू अब्सॉर्बिंग अ लॉट ऑफ एनर्जीज अराउंड यू एंड योर even though we think we are not learning a language but if you've been spending the last 2 weeks with the Russian your subconscious mind is still registering all the information right so if that gets activated you might be able to speak Russian also you know though you've never spoken Russian ever in your life before to aisa hota hai kai bar human mind ke sath to mujhe nahi pata spirit hai energy hai kya hai hota hai but there are just things which we've experienced sometimes and how things happen wo second hallucination ke bare mein bataiye The Choyu one was quite tricky. That's what, no, lucid. It was almost like lucid dreaming. There was a point when I went back, I was thinking that there was a point when I was in my body, then I was looking myself up, and then again I was in my body, then I was again looking, then I was like fluid, then I was going somewhere. So I do sound like a crazy man sitting over here and, you know, replying like this. But context ye ki, jitne bhi mountaineers show par aaye, saron ne kaha ki उस ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हैलुसिनेशंस होती है, बहुत नॉर्मल चीज है. हाइपोक्सिया अभी तक असल में ना मेडिकल साइंस भी डिसाइफर नहीं कर पाई है. हाइपोक्सिक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके दिमाग में, एग्जैक्टली क्या होता है, 40-50 साल से डॉक्टर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. हर इंसान पर अलग तरीके का रिएक्शन आता है. एज सून एज यू स्टार्ट लोअरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक कॉग्निटिव साइकोमोटर प्रोसेसेस, थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. मैंने बलजीत से भी यही सवाल पूछा कि ठीक है हैलुसिनेशंस होते हैं और हर किसी को अलग हैलुसिनेशंस होते हैं, पर वो हैलुसिनेशंस का सोर्स क्या है? क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस वो हैलुसिनेशंस डिसाइड करते हैं? दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एज अ पॉडकास्टर अ लिटिल बिट आफ्टर टॉकिंग टू यू गाइस. फॉर एग्जांपल बलजीत ने एक छोटी लड़की को देखा जो फ्लैग्स बेच रही थी. बलजीत क्लाइम्स विद दैट पेट्रियोटिक फील व्हिच आई एम श्योर यू डू एज वेल, पर दैट्स व्हाट शी सॉ अप देयर. आपने ये कहा कि आपको एक क्लाइंबर की आवाज सुनाई दी, एंड सेकंड आपको फिर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ जो आपको पहले उस 2012 की क्लाइम में फील हुआ था. अब बताइए इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. नथिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. एकदम बीच बीच में ऐसा आपको फील होता है कि यू आर लाइक लीविंग अ बॉडी एंड यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. एकदम तीसरे इंसान की तरह आप देखना शुरू करते हो, फिर आप वापस आ जाते हो, फिर आप दूसरी तरफ से जाकर देख रहे होते हो अपना, फिर आप सामने से देख रहे होते हो, फिर आप पीछे देख रहे होते हो, बट यू आर स्टिल वॉकिंग. लाइक यू आर स्टिल इन दैट बॉडी ऑल्सो, बट यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. Very, I don't know what happens, how the shoots. I'm not. Agar, if I was Buddha, I would be still in this body. But I'm sure कि मुझे अभी भी मेरी भी सफर अभी काफी लंबा है और बहुत सारी चीजें figure out करनी है. जब बलजीत आई थी तो उन्होंने खुद के hallucinations को बहुत ज़्यादा describe किया और ये भी कहा कि शायद उन hallucinations की वजह से ही वो गुम गई थी mountain में. आपने कभी ऐसा ये देखा है कि आपके कोई टीममेट बहुत ज्यादा हेलुसिनेट कर रहे हैं? आई थिंक दैट फर्स्ट लेट्स कम टू ऑक्सीजन लेस क्लाइंबिंग ऑफ 8000 मीटर माउंटेन्स. ऑक्सीजन के बगैर 8000 मीटर पीक चढ़ना बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग काम होता है एंड वेरी फ्यू पीपल डू इट एंड देयर इज अ प्रॉपर वे टू गो अबाउट डूइंग इट, कंडीशनिंग योर बॉडी. तो उसमें धीरे धीरे करके करना चाहिए आपको अपना काम, बिकॉज ब्रेन सेल्स आर दी ओनली सेल्स इन योर बॉडी विच नेवर रीजनरेट. So you will have kind of phantom memories. एक बारी वो सेल मर जाती है तो बॉडी को तो लगेगा कि उसकी डेड बॉडी तो उसकी corpse तो वही है, तो उसको लगेगा कि सेल है वहां पे बट मेमोरी डेड हो चुकी है उसकी. समझो, योर न्यूरॉन्स स्टार्ट टू डाई एट हाई ऑल्टीट्यूड. सो हेलुसिनेशंस आर प्रिटी विविड एंड प्रिटी क्रेजी एंड आर वेरी नॉर्मल एंड विल हैपन, बट वन नीड्स टू स्लोली स्टेडिली गेन ऑल्टीट्यूड एंड देयर इज अ वे ऑफ क्लाइंबिंग विदाउट ऑक्सीजन. नाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय सम ऑफ द pioneers of oxygenless climbing, let's say starting from Hans from Austria, Ferran, these are all alpinists of the highest kind. They are the first from their countries to have ever climbed the 14,000-8,000 meter mountains without oxygen. So there's a step-by-step process. Now if you try to fast it up for various reasons or for whatever one has set their project ideas as, you are going to falter somewhere or the else. It's a slow, tedious way of going about climbing mountains without oxygen, and you cannot mess with it, because if you mess around without oxygen up there on high altitude, there is no coming back. There is no coming back. There's permanent damage.
टू योर बॉडी. सो लाइक टुडे आई हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली डू 15,000 मीटर एक्सपेडिशंस ओवर अ स्पैन ऑफ 14 इयर्स इज बिकॉज आई हैव ऑलवेज मैक्सिमम टाइम यूज ऑक्सीजन. आई हैव ट्राइड टू पुश माय लिमिट्स एज अ टीनेजर बट मोस्ट सीनियर माउंटेनर्स नेवर अलाउड मी टू क्लाइम विदाउट ऑक्सीजन बिकॉज बॉडी वॉज स्टिल डेवलपिंग. Now what has happened because of the popularization of mountaineering in India, there are a lot of good young talent like Baljeet, Keval, Priyanka, a lot of national awardee mountaineers who've done some incredible climbing. They're really inspiring, really motivating, and they're upping the bar. But somewhere or the else, you know, with climbing mountains, there's no shortcut to the top, especially for climbing without oxygen. You cannot be flying in and out of base camps. You cannot be like how till date I have always been coming from the school of thought where, you know, though nowadays there are a lot of people who are doing speed ascents and doing multiple 8,000 meter peaks in one season, I like to give one mountain time. Because you have to fall in love with the mountain, trek up to it, you know, slowly settle down, enjoy the mountain, fix, do the hard work. What's the hurry? Where are we running to? That's the kind of school which I came from. That, you know, you start from the first village in the valley and you walk, keep making friends all along the way, you know, reach up slowly, village by village, you get acclimatized slowly, you spend enough time with the mountains, a relationship, pura ek relationship ban jata, then you go slowly doing up, down. Nowadays, everybody wants to go up. Things are going to go. Nature does not know the difference between a big mistake or a small mistake or a poor person and a rich person. It'll only see the logical one. Okay. Right. So one needs to a little bit slow down, I feel. Especially nowadays, youngsters are trying to run too fast. They're not realizing they're doing permanent damage to themselves, their bodies. So their neurons. Their neurons especially. You know? And iski koi recovery nahi hoti. 8,000 meter climbing should be done by more seasoned mountaineers. Even I am still too young for it. Wow. I'm still too young. 8,000 meter peaks were generally attempted by senior climbers. So trajectory was when you were 40, 45, when your lungs are fully developed, when your brain is fully developed. See, jo hamari lung capacity 15, 16, 20 saal ki umar mein hoti hai, wo ek 40 saal ki umar ke insaan se kam hoti hai. Bilaterals, aapke jo andar ke jo heart ke extra muscles hoti hai, men also develop it after a certain age. So your cardiac arrest ke chances kam ho jate hain after the age of 40. So there are certain developments which fully a human being only grows when you are at a certain age. When you're a teenager, when you're in your 20s, when your body is still, you know, completely taking its shape, when a tree is completely blooming, us time pe aap wo karoge to gadbad hoga thoda sa. That's why one must use oxygen, I would say, youngsters, and then do new routes, new ascents. You know, why don't open a new route on a mountain? Why take the same route on which everybody, all oxygen climbers are also climbing and try to do without oxygen? What are you trying to prove? और कहानियां जाननी है. तो ऐसे मकालू समिट हो गया, फिर फाइनली 2016 में, फिर उसके बाद मकालू के समिट से मुझे दूर ना होराइजन पे. सो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट क्लाइंबिंग दिस 8,000 मीटर माउंटेन्स, व्हिच आई एम, मतलब मुझे एडिक्शन सी हो गई है इस चीज से, जब भी हम टॉप पे पहुंचते हैं ना, पहली बारी ना आप देख पाते हो कि दुनिया गोल है. जनरली ना आप मतलब देखते हो कि अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होता है, या ना आप ग्लोब को देखते हो लाइब्रेरी में जाके, है ना. बट वो एक वो होता है ना कर्वेचर ऑफ द अर्थ होता है, वो विटनेस कर पाना ना इन रियलिटी इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. जब आप 8,800 मीटर पे खड़े होते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल समिट ऑफ एवरेस्ट, यू आर लुकिंग एट द होराइजन टिल द टाइम द होराइजन इटसेल्फ bends in front of you, you know. Nothing is obstructing your view till miles. Ek taraf se, agar aap early pahunch jate ho summit pe, to for the first time in your life, you'll see the sun rise below your eye level. Oh, hai na, like, sorry, I have to stop this video right now because it's over 40 minutes. Oh, that's so hard to upload a video on a YouTube. It took a many hours to upload, but तो editing करने में भी 4-5 घंटे लग जाते हैं, और क्योंकि मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ तो आपको पता ही होगा कि फ़ोन के ऊपर कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है. तो वीडियो को एडिट करने के लिए दो वीडियो बन रही है, एक रिकॉर्डिंग हो रही है फ़ोन के ऊपर, उसके ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इन दोनों वीडियो को एक साथ लेकर आना, फिर चलो एनीवे बहुत टाइम लग जाता है. ओवर 45 मिनट्स हो चुके हैं. सो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में आगे की स्टोरी देखेंगे, तो आप प्लीज आप जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स में
कुछ भी आप बात करना चाहते हो, लिखना चाहते हो लिखो, कौन सी वीडियो आपको ज्यादा पसंद आई वो लिखो, कौन सी वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन चाहते हो वो लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ 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 मुझको ही कुछ बोल दो कि भाई तू अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप बताओगे कि मैं क्या रॉन्ग कर रहा हूँ, तभी तो मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊंगा ना। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं रॉन्ग क्या कर रहा हूँ, है ना। तो आप प्लीज कमेंट भी जरूर करा करो, और लाइक एंड शेयर तो करो भाई, लाइक एंड शेयर के बिना बिल्कुल ही अधूरा रहता है, मुझे कोई एनर्जी नहीं मिलती, मनी तो मिलती नहीं है, ये भूल जाओ कि मुझे कोई मनी मिल रही है, कोई आप ऐड नहीं देख रहे मेरे चैनल पे, कोई कुछ नहीं देख रहे, मनी तो आती नहीं, तो कोई एनर्जी भी नहीं मिलती आपके लाइक्स के, कमेंट के बिना, शेयरिंग के बिना कोई एनर्जी भी नहीं मिल पा रही। सो प्लीज शेयर भी करो, लाइक भी करो, और सब्सक्राइब तो करो ही करो भाई साहब। अभी व्यू देखकर मुझे पता चल रहा है कि जो आप आते हो ना बार बार, 300-400 लोग ऐसे हैं जो रिटर्न करते हैं मेरी वीडियो के ऊपर, मुझे वो पता चलता है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, मुझे यही बात बता दो कमेंट्स में। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।